नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सिंह। दोस्तों आज मैं आउटलाइन सबसे आसान तरीके से बताऊंगा कैसे आउटलाइन बनाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में जाएंगे और वहां से प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे ड्राइंग ग्रिड। जैसे ड्राइंग ग्रिड आप लिखोगे वो आपके सामने ऐसे खुल के ढेर सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो सबसे पहले क्या, जो सबसे ऊपर होगा ऑप्शन जैसे कि ये ऊपर वाला दिख रहा है, ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करोगे। अब मैंने इंस्टॉल कर रखा, अगर आपने इंस्टॉल कर रखा हो तो उसको ओपन करिए। ठीक, यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो पहले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप फोटो को चूज़ करिए। बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, मैं इसमें मिथुन दा की फ़ोटो लेता हूँ। ठीक है, ये है कलर है, तो अभी इसको ब्लैक एंड वाइट कर लेंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शन जो हैं कैसे होंगे, जैसे लाइन दिख रही मोटी दिख रही है, यहाँ पर आप माइनस पे क्लिक करोगे। माइनस पे क्लिक करने के बाद जहाँ फोर है वहाँ पे वन कर दोगे, ठीक है, तो ये लाइन पतली हो गई। अब इसको हम थोड़ा ग्रिड का वो कर लेंगे, जैसे ग्रिड की नंबरिंग कर लेंगे, तो यहाँ 20 कर लिया मैंने, 20, ठीक है। अब इसको यहाँ से ब्लैक एंड वाइट कर लेंगे, ठीक। तो अब लाइन भी पतली है और ग्रिड भी अच्छे से हो गई है। तो अब इसको हम, अगर मान लीजिए लाइन जो ब्लैक है इसको 21 कर लेते हैं अभी, ठीक है, 21 कर लेते हैं, 21 कर लेते हैं। अब ग्रिड चाहिए, ठीक, तो अब इसको हम कलर कर लेते हैं, यहाँ से रेड कलर कर लेते हैं। तो ये लाइन जो है कलर हो गई, ठीक। अब इसको हमको सेव करना होगा, सेव कर लिए, ये देखो ऐड आ गया। तो ऑनलाइन चल रहा है इसलिए ऐड आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी फ़ोटो अच्छे सेव हो गई होगी। अब हम जाके जहाँ सेव हुई है फ़ोटो वहाँ से निकालेंगे, ठीक है, ड्राइंग ग्रिड वाला ऑप्शन। ये फ़ोटो सेव हो गई, अब यहाँ से निकल आई फ़ोटो, ठीक है। तो ये ग्रिड हमारा जो है एकदम कंप्लीट हो गया है। इसको इधर रखते हैं। तो पहले से मैंने ग्रिड बना के रखा हुआ, ठीक है, ड्राइंग पे ड्राइंग पेपर जो इस पर ग्रिड कर लिया है। तो इसको गिन लेंगे कितने काउंट हैं, जैसे 11 काउंट है, ठीक है। तो 11 काउंट पे हम यहाँ गिन के पहले से ही यहाँ से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे लास्ट वाले रो से। बहुत ही आराम से एक एक लाइन को देख के ये देखना कि किस लाइन में कितनी दूरी पर लाइन खींचनी है, यही सब चीज़ देखना है आपको। अगर आपने ये चीज़ देख ली तो आपकी जो फिर जो आउटलाइन है एकदम परफेक्ट बन जाएगी, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि किस ब्लॉक में कितनी दूरी पर लाइन खींचनी है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आउट एरिया है, ठीक है, उसको पूरा पूरा बनाएंगे। आउट एरिया बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अंदर के जो पार्ट है जैसे आई, नोज और लिप, ठीक है, माउथ, ये सारे पार्ट को बनाएंगे। सबसे पहले हम बाहर के पार्ट को अच्छे से बना लेंगे। ईयर को भी अच्छे से देखना होगा ध्यान से, किस ब्लॉक में कितनी दूरी पे ईयर है। अगर आप इस पर काउंट कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसे मुझे कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो, लेकिन मुझे थोड़ा आइडिया है कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर उसको हम सुधार भी लेते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ख़राब होता है। तो अगर आपने काउंट कर लेंगे, इसमें काउंट नंबर लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, तो आप भूलोगे नहीं। जो एकदम नए लोग हैं जो पहली बार ड्राइंग लिखेंगे वो लिख सकते हैं, जो मान लो थोड़ा सा एक्सपीरियंस जिनको आइडिया हो गया है, जिनकी सिर्फ आउटलाइन सही नहीं होती है, वो इस वीडियो अगर देख रहे हैं तो बस ये देखें कि किस ब्लॉग में कितनी दूरी पे मैं लाइन खींचता हूँ, वो सब चीज़ आपको देखना होगा, ठीक है। आपकी अगर आउटलाइन ख़राब बनती है ग्रिड मेथड से भी, तो बस आप ये देखिए कि मैं कितनी दूरी पर लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये फ़ोटो चाहिए, अगर आपको बनाना हो तो आप मुझे फ़ोटो बोल देंगे तो मैं आपको फ़ोटो दे दूँगा, आप भी बना सकते हो इसको, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बना सकते हो। तो सारी चीज़ आपको देखना होगा, बहुत आराम से है, बहुत लंबी वीडियो नहीं है, 17-18 मिनट की वीडियो रहेगी, ठीक है, मैक्सिमम 18 मिनट, नहीं तो 17 मिनट की वीडियो रहेगी। तो थोड़ा सा वीडियो का जो वो है, जो पेपर है, मतलब ड्राइंग पेपर जो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो
बस आप देखते रहोगे तो आपको समझ में आएगी उस चीज़ें कहाँ मैं क्या कर रहा हूँ। बस आपको ये देखना कि किस ब्लॉक में कितनी दूरी पे मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी। अगर आप ये देख रहे हैं तो आप फिर समझ लो कि आप ड्राइंग को समझ रहे हो कि कहाँ से कितनी दूरी पे मैं ये कर रहा हूँ। बिल्कुल आराम से बनाएंगे, कोई हबड़ा नहीं, हबड़ा कर नहीं बनाएंगे कि यार फटाफट ड्राइंग कर लेते हैं, नहीं तब आपकी आउटलाइन जो ख़राब हो जाएगी। तो आप टाइम लेके 15-20 मिनट 25 मिनट जो भी टाइम लगेगा आप टाइम लीजिए प्रॉपर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं लेकिन फिर हमें देखना पड़ता है। अगर आप काउंट करे रहोगे तो आपको तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर आप काउंट नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आउट एरिया, अगर आप आउट एरिया में जो क्या होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती है कि ब्लॉक्स जो छोटे छोटे ब्लॉक हैं, इतने सारे ब्लॉक हैं, उसमें कितनी दूरी पे कौन से ब्लॉक हैं, ये सब चीज़ें अगर आपकी सही हो जाएंगे ना तो फिर आप ड्राइंग को अच्छा से बना लोगे। अभी ब्लॉक देखें आप देख ही रहोगे कि बहुत सारे ब्लॉक हैं। ये तो मैंने 2 सेंटीमीटर के एक ब्लॉक बनाए हैं, अगर यही आप 1 सेंटीमीटर के बनाते तो और ज़्यादा इसके डबल मतलब हो जाते। अगर ये 11 ब्लॉक है तो यही 22 ब्लॉक हो जाते हैं। आउट एरिया थोड़ा सा टफ है क्योंकि आउट एरिया में आपको टाइम ज़्यादा लगता है और जो अंदर का पार्ट है उसमें उतना टाइम नहीं लगता। बस उसमें आपको सही से देखना है कि कितनी दूरी पे लाइन हमें खींचना। अगर वो चीज़ अगर आपकी सही हो गई तो मतलब आपकी ड्राइंग फिर आउटलाइन जो है एकदम परफेक्ट हो जाएगी। जैसे ये देखो आउटलाइन जो है फेस का पूरा हो गया, अब थोड़ा सा ये और है जो तो कर देंगे तो आउटलाइन जो परफेक्ट बन जाएगी। आउटलाइन ही मेन बनाना है हमें, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको आउटलाइन कैसे बनाते हैं उसी को बता रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में शेडिंग कैसे करते हैं उसको बताएंगे। मैक्सिमम 2 से 3 पेंसिल के अंदर मैं 3 पेंसिल के अंदर पूरी ड्राइंग कर दूँगा। चारकोल का यूज मैं इसलिए करूँगा कि चारकोल के जो हेयर दिख रहा है उसमें चारकोल का यूज़ करूँगा। अगर आपके पास चारकोल पेंसिल नहीं है तो आप आर्ट लाइन की या फिर जिस किसी भी पेंसिल का डार्क पेंसिल है 10B 8B जो भी यूज़ करना चाहो उसका यूज़ करके आप बना सकते हो। जो भी पेंसिल आपके पास है, ज़रूरी नहीं है आपके पास ये पेंसिल नहीं है तो नहीं बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ड्राइंग बनाने वाले बनाते हैं। अभी इसके पीछे जो ड्राइंग मैंने बनाया है, ठीक है, जो KGF ड्राइंग बनाया उसमें सिर्फ 2 पेंसिल का यूज़ करके मैंने बनाया है। तो नटराज पेंसिल से मैंने उसकी पूरी अंदर की जो फेस है फेस में शेडिंग किया वो नटराज से किया था और इसमें भी मैं नटराज का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि आउटलाइन जो है वो नटराज की पेंसिल से ही बना रहा हूँ। तो पूरा जो लाइनिंग खींची है ये सब नटराज की पेंसिल का ही यूज़ करके बनाया हूँ, ठीक है। तो आउटलाइन आपकी अच्छी होनी चाहिए, जब भी आप ड्राइंग करें तो आउटलाइन अगर आपकी अच्छी बन गई है मतलब कि आपका आधा काम हो गया है। शेडिंग करने में आपको टाइम पर ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि मेन चीज जो है वो आउटलाइन है। अब यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना क्योंकि बहुत सारे ब्लॉक हैं और बहुत सारे ब्लॉक में आपको बस ये देखना होगा कि किस ब्लॉक में कितनी दूरी पे क्या चीज़ें हैं। 3-4 ब्लॉक 4-5 ब्लॉक में 4 ब्लॉक में आई है, ठीक है। तो 4 ब्लॉक हैं उसको ध्यान से देखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होंगे इसमें। एकदम कन्फ्यूजन अगर आपको हुई तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। कन्फ्यूज मत होइएगा, टाइम लीजिए प्रॉपर लेकिन कन्फ्यूज मत होइएगा। ड्राइंग को पूरा देख लीजिए, आपको एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। जहाँ समझ में ना आए आप वहाँ से इरेज कर लीजिए चीज़ों को। मेन जो पार्ट है आपको यही देखना होगा, ठीक है। ड्राइंग का जो मेन पार्ट होता है फेस का यही आपको देखना है और यही आपको समझना। अगर यहाँ चीज़ आप समझ लेंगे तो मतलब आपकी ड्राइंग जो है
वो कंप्लीट हो गई। शेडिंग में आपको देखना कि शेडिंग कैसे करता हूँ, कैसे चेहरे को कैसे एकदम उसमें मैच करता हूँ, तो वो सब चीज़ आपको देखनी होगी। बाकी बहुत सारी वीडियो हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो जो ड्राइंग आपको अच्छी लगे। ठीक है, तो पहली आई थोड़ा सा टफ होगा, उसके बाद सेकंड आई बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको आइडिया मिल जाता है कि अच्छा ये तीन ब्लॉक होगा, तो तीन ब्लॉक इधर खुले होंगे तो उसमें, क्योंकि पहली आई बनाने में और पहला जो लाइन खींचने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर वो सभी चीज़ें सही हो जाएंगे तो फिर आप धीरे धीरे सब सही कर लोगे। अभी आउटलाइन नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है, बाद में ये अच्छे से शेडिंग कर लूंगा। जैसे कि अभी आई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई तो उसको सही करना होगा। तो जहाँ भी आपको लगे कि ये चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ है तो उसको तुरंत सही कर ले। पूरी तरह से आप पूरा टाइम लीजिए उसमें, पूरा टाइम दीजिए उस चीज़ को। अब सेकंड आई में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, तो सेकंड आई जो है वो सिर्फ दो ब्लॉक के अंदर है, ठीक है, तो दो ब्लॉक जैसे ये आधा ब्लॉक इसका हो गया और आधा ब्लॉक जो है इस वाले का हो गया। पाँच मिनट के अंदर और पूरी ड्राइंग बन जाएगी। अब सेकंड आई बनाने के बाद तुरंत बन जाएगी कंप्लीट नोज, फिर नोज बनाने के बाद फिर लिप बन जाएगा। अंदर के जो पार्ट है उसको बनाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि आपको आइडिया मिल जाता है कि अब इतने स्पेस में सब कुछ बनाना है, क्योंकि जब आप बाहर के आउटलाइन बनाते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है आपको। ये तुरंत बन गया, ठीक है, तो इसके अंदर के पार्ट को खटाक से हम इसको डार्क कर देंगे। दो आई भी हैं, लगभग दोनों आई कंप्लीट हो गई हैं। हल्का हल्का शेड कर देंगे जहाँ जहाँ लाइन है उसको, ताकि बाद में हम शेडिंग करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये दो आई हमारी कंप्लीट हो गए, अब क्या करना है, सिर्फ नोज और लिप बनाना है, उसके बाद ड्राइंग बन जाएगी। आउटलाइन जो है पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद हम कल शेडिंग करेंगे। ग्रीड मेथड से आपको आसानी से हर चीज़ बना सकते हो आप। ग्रीड मेथड जो है बहुत आसान तरीके से आप ड्राइंग बना सकते हो, यहाँ सभी लोग यूज करते हैं इसको, मैक्सिमम लोग इसको यूज करते हैं पोर्ट्रेट बनाने में। अगर आप भी पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं, किसी की पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं, तो आप ग्रीड मेथड का यूज करके बना सकते हो। कोई भी बना सकता है, बिगनर हो, जो लोग एकदम नए हैं वो भी बना सकते हैं। तो नोज बन गई, नोज बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा है। अब लिप बनाना है, दो से तीन मिनट के अंदर पूरी ड्राइंग बन जाएगी। बस ये लिप बनाए, उसके बाद तुरंत ड्राइंग आपकी मतलब पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आउटलाइन जो है ऐसे ही बनाया जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम शेडिंग करेंगे। तो शेडिंग करने के लिए आपके पास कुछ पेंसिल होंगी एक्स्ट्रा, जैसे कि हेयर को किससे करेंगे, हेयर को हम मान लो चारकोल से करते हैं, डार्क पेंसिल का यूज करके करेंगे, ठीक है। उसके बाद आईब्रो में और आई में, लिप में, फेस में, ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। ड्राइंग आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगी कि कौन सी पेंसिल कहाँ यूज करते हैं, ये सब चीज़ आपको देखनी होगी, ड्राइंग देखनी होगी।
ये मिथुन दा की बहुत पुरानी पिक है, जब ये यंग थे तब की ड्राइंग है ये। कुछ चीज़ें हैं जो आपको शेडिंग में ही समझ में आएंगी, उसके पहले आपको समझ में नहीं आएंगी। ये सब चीज़ें शेडिंग करूँगा तब अच्छे से बन जाएगी, अभी तो बस आउटलाइन अंकल का कर दे रहा हूँ। इसी मंथ इनका बर्थडे भी है तो पहले से ही बना दे रहा हूँ, ताकि और लोग बनाना चाहें तो वो भी लोग बना सकते हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ड्राइंग कैसी लगी। ठीक है, तो हमारा जो ड्राइंग है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, सब कुछ है। आउटलाइन बनाना था, आउटलाइन हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है, तो अब इसके आगे का जो पार्ट रहेगा उसको हम बनाएंगे, बहुत जल्द बनाएंगे। ठीक है, और जो लोग नए हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट करेंगे और बताएं कैसा लगा आपको ये ड्राइंग, और ये मेथड आपको कितना अच्छा लगा। अगर आप इस मेथड का यूज़ करना चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो ड्राइंग में अपने। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हेयर में है, तो इसको अगर आप करना चाहो तो कर लो अभी से, पहले से ही, क्योंकि ये मुझे आइडिया रहेगा। क्योंकि अगर आपको ये डायरेक्शन पता रहेगा किस डायरेक्शन में हेयर गया है तो आप अच्छे से हेयर को बना सकोगे, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं हेयर को पेंसिल से लेके पूरा एकदम गोज देते हैं, खड़ा मतलब बहुत स्पीड में सारी चीज़ें कर देते हैं। तो आप इस आपको हेयर में टाइम देना होगा, तब जाके आपका जो हेयर रहेगा एकदम रियल हेयर दिखेगा। तो जब मैं करूँगा तो आप देखिएगा उसमें रियल हेयर कैसे बनाते हैं। तो ये ईयर है, थोड़ा सा ईयर बना देता हूँ उसको पूरा, कुछ चीज़ें छूट गई हैं, बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं, उसको हम बाद में सही कर लेते हैं। अब ड्राइंग के दौरान उसमें समझ में नहीं आता कौन सी चीज़ें छूट गई हैं, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें थी छूट गई थी। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपको एक नया ड्राइंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाय।